जाम आ गया, डर बहुत ज्यादा लग रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। गलतियां हो गई और उन गलतियों को कंपनसेट करना चाहती हूँ। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कि यार अगर कब बायो में 350 ला लेते हो, केमिस्ट्री में 150 ला लेते हो और फिजिक्स में 120 ला लेते हो, तो हमने फिजिक्स में 120 कैसे लाना हमने पूरा का पूरा देख लिया था कि फिजिक्स में ये तरीका नहीं, ये टॉपिक कर लोगी तो तुम्हारे 120 मार्क्स तक आ जाएंगे। आज जो है आज हम देखेंगे केमिस्ट्री में हम क्या क्या करेंगे कि 150 मार्क्स आ जाएंगे। तो यार पहले समझ लो कि केमिस्ट्री में अगर 150 मार्क्स लाना है तो करना तो पूरा होगा, सारा का सारा ही करना होगा, फिर भी तुम्हें लग रहा है कि। तो यार दिल की बात सिलेक्शन जी है, हर बार कहता हूँ बस मेहनत करने की ज़रूरत है और नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है, सिलेक्शन हो जाएगा। यार 610 से 620 नंबर चाहिए, बायो की बात इतनी हो गई, केमिस्ट्री की बात होगी, फिजिक्स की बात होगी। आज केमिस्ट्री में 150 नंबर कैसे आएगा उसकी बात कर रहे हैं। फिर से वीडियो स्टार्ट होने से पहले बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें 150 नंबर लाना है यार तो पूरा का पूरा पढ़ना होगा, लेकिन फिर भी लग रहा है यार पूरा का पूरा नहीं हो पाएगा भैया। हाई वेटेज चीजें बता दूँ तो हाई वेटेज टॉपिक में बता रहा हूँ। तो यार दो पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, जिन्हें सारा पढ़ना है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल, पढ़ना तो सब कुछ सारा है, लेकिन फिर भी हर जगह से मैं हाई वेटेज टॉपिक सेलेक्ट करके लाया हूँ। तुम कहोगे हाई वेटेज टॉपिक सेलेक्ट कैसे किया भैया, तो मैंने सारे के सारे PYQ के एनालिसिस किए, कौन कौन से चीज़ों के क्वेश्चन आ ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ये देखो ये जैसे बहुत ज़्यादा आ रहा है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो हमने इन चीज़ों को सेलेक्ट किया है, हमने इन चीज़ों को सेलेक्ट किया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फिजिकल में हम आते हैं चैप्टर वाइज चैप्टर। तो मोल कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो मोल कॉन्सेप्ट तुम्हारा सारा का सारा पढ़ना है, मोल कॉन्सेप्ट सारा का सारा पढ़ना है भैया, पढ़ लोगे, इजी चैप्टर है, किसी का भी बाउंस बैक देखो, वन शॉट देखो, इजिली हो जाएगा। उसके बाद नीट का PYQ करो आराम से, नहीं बनता सोल्यूशन देखो दोबारा करो, सोल्यूशन देखो दोबारा करो। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अगेन कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम करना चाहोगे तो आप बाउ ला कर लो, हुंड ला कर लो, पाउलीज ला कर लो, मतलब जितने भी फीलिंग वाले ला हैं सारे कर लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जितने भी ला हैं सारे कर लो। फिर बोहर्स मॉडल के क्वेश्चन करने हैं और साई वर्सेस आर ग्राफ करना है। साई वर्सेस ग्राफ जो है साई स्क्वायर वर्सेस आर या साई वर्सेस आर आज तक आया नहीं है, लेकिन जे में से बहुत ज़्यादा आया है, इस बार आने की प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा है नेट में, तो करके दे जाना है यार, याद कुछ करना नहीं, बस एक ग्राफ देख लेना कैसा है। तो ठीक है, हमने ये देखा कि ये बोहर्स मॉडल पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूले ही पूछे जा रहे हैं। अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो बोहर्स मॉडल के फार्मूले कर लो और थोड़े से उसके एप्लीकेशन कर लो यार, अगर केमिस्ट्री में काम नहीं आएगा तो फिजिक्स में काम आ जाएगा। उसके बाद एक बात और यार, प्रैक्टिस कहाँ से करनी यार, इधर तो नहीं भागना है, PYQ करो और बहुत ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा जितना NCERT के एग्जाम्पल दिए हैं, केमिस्ट्री में NCERT के इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं, वो सारे के सारे करने हैं। जैसे ये क्वेश्चन हो गया 2015 2004 में आया है, और जैसे ये साई वर्सेस आर ग्राफ जो है बहुत ज़्यादा जेई मेंस में आया है, अब इस बार नेट पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब तुम कहोगे भैया ये आपको ये कैसे मिला कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ आया है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ आया है, तो यार इससे ये होता है ना कि हमने क्या किया, हमने ऑलरेडी सारा का सारा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सबकी NCERT को हाईलाइट करके रख दिया है, सबकी NCERT को हाईलाइट करके रखा है कि सब चीज़ें तो पढ़ लो, NCERT के पॉइंट्स यहाँ से पढ़ लो, जो जो बार बार एग्जाम में आए हैं, तो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बूस्ट करेंगे कि भैया NCERT के भी क्वेश्चन आएंगे, SRSM रीजन आएंगे तो मैं कर लूँगा। अब अगला चैप्टर हमारा आता है थर्मोडायनमिक्स। थर्मोडायनमिक्स पूरा का पूरा करना है, अगेन दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ छूट रहा है बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है तो दो टॉपिक कर सकते हो, कौन कौन से, एक एंथैल्पी चेंज, दूसरा स्पॉन्टेनिटी। देख सकते हो तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है एंथैल्पी चेंज से, एंथैल्पी चेंज से, जैसे कि देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा स्पॉन्टेनिटी का है, ये क्वेश्चन स्पॉन्टेनिटी का, ये क्वेश्चन स्पॉन्टेनिटी का, ये क्वेश्चन स्पॉन्टेनिटी का, मतलब स्पॉन्टेनिटी के क्वेश्चन आते ही आते रहते हैं, हर साल आते रहते हैं, हर साल आते रहते हैं। ओके भैया, अगला टॉपिक हो गया हमारा इक्विलिब्रियम। अगला टॉपिक जो है हमारा इक्विलिब्रियम है, जैसे इक्विलिब्रियम में दो पार्ट हो जाता है यार, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। अब अगर तुम्हें चैप्टर कठिन लग रहा है, थोड़ा सा कठिन लगता है बच्चों को, तो केमिकल इक्विलिब्रियम से क्या करना है, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम और रिलेशन बिटवीन KQG। अब तुम देख रहे हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईजी होता है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है K का रिलेशनशिप, और इससे क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा भर भर के पूछे गए हैं। अगला जाता है बफर सोल्यूशन और सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी पर भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, सोलिबिलिटी के PYQ कर लो, उसी पैटर्न पे तुम्हारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, यार इजिली किया जा सकता है। अगला यार रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन हम क्या करते हैं, टीचर से पढ़ लेते हैं, लेकिन जो नीट में NCERT में थोड़े से स्ट्रक्चर दिए हैं ये करके जाना, इनके मतलब एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, जैसे कि एग्जाम में आ चुका है, नीट में भी आ चुका है, जेई में भी आ चुका है। अगेन यार मैंने सारी के सारी NCERT हाईलाइट कर दी, तो जाके देखो प्लेलिस्ट बनी होगी। अब इसके बाद यार सोल्यूशन पूरा करना है, इजी चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर भी यहाँ पे अगर तुम छूट रहा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कर लो, आइडियल सॉल्यूशन कर लो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कर लो, आइडियल सॉल्यूशन कर लो, इससे देख सकते हो कितने ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं।
और आइडियल सॉल्यूशन की ट्रिक भी आने वाली है जल्दी से। अगला आता है यार, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ है नहीं। यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और गैल्वेनिक सेल, और एक और होता है, एक टॉपिक में लिखना भूल गया, जो एक टॉपिक और है जो हमारा सीरीज है अपनी, एक सीरीज है ठीक है, ये जो सीरीज है सीरीज ठीक है ना, हमारा रेडॉक्स वाली सीरीज है, रेडॉक्स वाली सीरीज है, उसके एप्लीकेशन करने हैं, एप्लीकेशन करने हैं। तो यहाँ से तुम्हारा एक क्वेश्चन इजली बन जाएगा, एक क्वेश्चन इजली बन जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है, नेक्स्ट टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स, इजी चैप्टर है यार, एकदम से किया जा सकता है। थोड़ा सा टफ अगर तुम्हें लगता है, तुम रेट और ऑर्डर कर सकते हो। देखो रेट का एग्जैक्ट क्वेश्चन सेम, जैसे ये क्वेश्चन वैसे ये क्वेश्चन, ऐसे ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो तुम ऐसे क्वेश्चन प्रेफर कर सकते हो। और जैसे रेट पे क्वेश्चन देखो, एकदम इजी क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं ठीक है। अगला चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। अरे भैया सरफेस केमिस्ट्री डिलीट हो गया ना, सरफेस केमिस्ट्री भी दोस्त डिलीट हुआ है, लेकिन उसका जो कोलाइड वाला पार्ट है, कोलाइड वाला पार्ट अगेन आ गया, तो कोलाइड वाला पार्ट हमें करना है। देखो अब जैसे ये है, तो कोलाइड पे इजी क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, तुम आराम से कर सकते हो। जैसे अभी तुम्हें नंबर नहीं याद हो रहा है, तो ऐसे याद कर सकते हो, एक तेरे नैना हजारों में एक है, हजारों में एक है। पर ये हो गया एक से लेके एक, मतलब ये जो यहाँ से अब तुम आराम से अपना ऑर्डर फाइंड कर सकते हो कि ट्रू सॉल्यूशन है, ट्रू सॉल्यूशन की ट्रिक है कि ट्रू सॉल्यूशन कैसे होता है, तो उसका क्या साइज होता है, कोलाइड क्या होता है, तो ओके आगे आगे ठीक है। अब यहाँ से हमारा फिजिकल में हो गया, अब आ गया इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक यार अगर 150 नंबर लाते हो, अगर 150 नंबर लाना चाहते हो, तो इनऑर्गेनिक में सब कुछ करना है, ऑर्गेनिक में सब कुछ करना है, फिजिकल में भी सब कुछ करना है। दो तीन चैप्टर जैसे तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़े से कठिन लगते हैं, तो आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक चुन सकते हो जो सेलेक्टेड है। फिर भी देखते हैं क्या क्या जो जो इंपॉर्टेंट है। पीरियोडिक टेबल यार पूरी की पूरी पढ़नी है। केमिकल बॉन्डिंग अगर छूट रही है, अगर छूट रही है, एमओटी और हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हो, खैर इसके तो किसी का छूटता नहीं है। अगला हमारा डी एंड ब्लॉक इस बार ऐड हुआ है, जिसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती है, क्या क्या हो सकता है। पी ब्लॉक और एस ब्लॉक जो है तो हट गया है, तो मोटा मोटा कुछ थोड़ा थोड़ा है, तो वो किया जा सकता है, अगर तुम चाहो तो छोड़ भी सकते हो। ओके अब आ गया कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक, हाई वेटेज टॉपिक, हाई वेटेज चैप्टर भी है, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं इससे। आइसोमेरिज्म, वेवलेंथ, स्टेबिलिटी और स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अब ये मत कहना भैया 3 4 क्वेश्चन नहीं आते, 2 से 3 आते हैं, तो यार मैटर करता है। जैसे अभी होता है कि जब मैंने अपने टाइम में नीट दिया था 2022 में, तो हुआ क्या था कि वहाँ पे एक्सक्रीशन, न्यूरल ठीक है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन, इसके सवाल एक भी नहीं आए थे, तो वी कांट एक्सपेक्ट, लेकिन हाँ हम हाई प्रोबेबिलिटी पे जा सकते हैं। अब आ गया यार ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में अगेन सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, फिर भी तुम सबसे पहले क्या स्टार्ट कर सकते हो, बायो मॉलिक्यूल, नेम रिएक्शन और टेस्ट। टेस्ट जो है हमारा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, तो अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यार नेम रिएक्शन से 3 से 4 क्वेश्चन, अब तुम कहोगे नेम रिएक्शन से 3 से 4 क्वेश्चन कैसे आता है यार, अपने जो सवाल आते हैं, अपने जो सवाल आते हैं उसमें जो ए करके बी, ए बी सी कर कैसे देता है, ए से बी बनता है, बी से सी बनता है, बताओ क्या है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नेम रिएक्शन का यूज़ तो होता ही होता है। तो यार अगर तुम्हें नेम रिएक्शन 2 से 3 भी मान सकते हो, 1 से 2 भी मान सकते हो, तो वी कांट एक्सपेक्ट सो मच। तो नेम रिएक्शन में अगर तुम्हें ऑर्गेनिक भूल जा रहे, तो नेम रिएक्शन की ट्रिक हमने बहुत सारी लॉन्च कर दी है, सारी के सारी नेम रिएक्शन को ट्रिक से कर लिया है। जैसे यार जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर करना चाहो, तो फिर से एक सी डबल ओ वाला एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो ऐसे बन गया CH2। CH2 हमने क्या किया यार, क्लीमेंसन रिडक्शन है ये, क्लीमेंसन में क्लीन कर दिया, और रिजल्ट हमारा JNHGHCl। हमने क्या, जहाँ आया क्लीमेंसन सी डबल बॉन्ड ओ को कर दिया CH2, मतलब CO को क्लीन कर दिया, CO को क्लीन कर दिया क्लीमेंसन ने, बात खत्म। यार थोड़ा सा जो मतलब टेस्ट वगैरह है, कौन कौन से ज़्यादा ज़रूरी हैं, ल्यूकास टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, एल्डोल, कैनिजारो, ये दोनों टेस्ट नहीं है, रिएक्शन है फिर भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, जेल्डाल, ड्यूमा, हिंसबर्ग, लासिन, ये सारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और सारे टेस्ट भी ज़रूरी हैं, जितने भी टेस्ट हैं सारे सारे टेस्ट ज़रूरी हैं। फिर भी अगर कुछ छूट रहा है, तो तुम इस चीज़ से, इस सीरीज से, इस टॉपिक से प्रेफर कर सकते हो। ओके यार अब ये तो वही चैप्टर के नाम हो गया, GOC, हाइड्रोकार्बन, ये। तो यार ये करना, ये तुम कर सकते हो। अब मैं अगेन कहूँगा यार कि ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत ज़्यादा बातें नहीं है, वेरिएशन नहीं है, 150 नंबर आ जाएगा। हाँ बात रही कट ऑफ की, अगर तुम्हें कट ऑफ को लेकर डर लग रहा है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, भैया कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो कट ऑफ का हम नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे अगर तुम कहोगे तो। खैर
खैर जैसे लोगों को लगता है कि यार इस साल कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, तो कट ऑफ के कुछ पैरामीटर होते हैं, जैसे सिलेबस क्या है तुम्हारा, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पूछा जा सकता है। जैसे सिलेबस रिड्यूस हो गया तो कट ऑफ बढ़ने के थोड़े से चांसेस हैं। अगेन जैसे लोगों को लगता है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ आएगा तो पेपर ये बनाएगा पेपर वो बनाएगा, लेकिन हाँ फिर से तुम्हारा पेपर एनटीए बना रहा है तो पेपर जाएगा नहीं जाएगा ये तो बाद की बात होगी, ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर तुम कमेंट करते हो भैया कट ऑफ के बारे में कुछ बात कर ली जाए, तो फिर भी अगर मोटी मोटी बात कर ली जाए तो यार कट ऑफ 610 से 630, 610 से 615 ही रहेगा, उससे ज़्यादा कहीं नहीं जाना है। तो ये जनरल की कैटेगरी की बात है। अगर तुम्हें लगता है SC ST OBC EWS सबकी अलग कट ऑफ की बात की जाए, आप तो मुझे कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय और मेहनत करते रहो। और शाम को आज हमारा चैप्टर है, हम पूछे आप बताओ मैं, आज का हमारा चैप्टर है लिविंग बर्ड। ओके तो हमने ऐसे एक एक चैप्टर करके स्टार्ट किया, जैसे कि तुम बायो में भी 350 पार कर जाओ तो तुम एक चैप्टर डेली पढ़ते हो, सबको क्वेश्चन पूछते हैं। तो 8:30 बजे सीरीज शुरू होती है। और ऑर्गेनिक अगर तुम्हें लग ही नहीं रहा कि आती है, टीचर से पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा टीचर से ट्राई कर लिया, फिर भी समझ नहीं आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो यार एक बार मेरी सीरीज जरूर ट्राई करना, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में कराया है। तो मिलते हैं फिर, बाय बाय और मेहनत करते रहो।